क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या 2 महीने में ही उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या सिंधिया कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके चलते मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बीते दो दिनों से लगातार सरगर्मी बनी हुई है। कांग्रेस, बीजेपी या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ओर से इन सवालों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंधिया को लेकर इन सवालों की शुरुआत एक ट्वीट से हुई। एक न्यूज चैनल के पैरोडी अकाउंट से किए गए ट्वीट में बताया गया कि सिंधिया प्रदेश कैबिनेट में अपने समर्थकों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उन्हें खुद भी केंद्र में मंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ और वे जल्द ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। इस ट्वीट को कुछ घंटों के अंदर ही करीब 12,000 लोगों ने लाइक किया। राजनीतिक कानाफूसी भी तेज हो गई, क्योंकि ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर सिंधिया के साथ धोखा करने का आरोप लगाया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि सिंधिया सोमवार तक दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लोग इन संभावना के आधार पर प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के भविष्य को लेकर भी कमेंट करने लगे। वहीं कुछ लोग प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के कयास भी लगाने लगे। ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। अधिकांश लोग सिंधिया के साथ बीजेपी पर भी फिक्रें कसने लगे। प्रतिक्रिया देने की जल्दी में यूजर्स ने ट्वीट करने वाले अकाउंट की सत्यता पर ध्यान नहीं दिया। उस अकाउंट के साथ लगी तस्वीर से ही स्पष्ट किया गया कि ये न्यूज चैनल का फर्जी अकाउंट है। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहायक ने भी ट्वीट के फर्जी और भ्रामक होने की पुष्टि की। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया में आई कुछ अन्य खबरों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की आईटी सेल सिंधिया के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रही है। उन्होंने सिंधिया की घर वापसी के किसी भी संभावना को सिरे से नकार दिया। मध्य प्रदेश के गुना से पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद करीब 2 महीने पहले होली के दिन बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके साथ एमपी में कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार संकट में आ गई और उसे इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।